सिंघवालिया मुद्दे की बात प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खिलाड़ियों द्वारा ड्रग के इस्तेमाल के बारे में। देखा गया है कि खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कई प्रकार की बैन की गई दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसको डोपिंग बोला जाता है। ओलंपिक्स 1904 के मैराथन दौड़ के गोल्ड मेडल विजेता अमेरिका के थॉमस जॉन हिक्स को चूहे और कुत्तों को मारने के काम आने वाली स्ट्राइसिन और ब्रांडी दी गई थी ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। डोपिंग के कारण मरने वाले पहले खिलाड़ी डेनमार्क के साइक्लिस्ट नड एनेमाक जेंसन थे। जेंसन को उनके कोच ने एम्फेटामाइंस दी थी और वह 1960 में रोम में चल रहे ग्रीष्म ऋतु के ओलंपिक्स के दौरान अपनी परफॉर्मेंस देते हुए जान से हाथ धो बैठे थे। इस सब के चलते 1960 में स्पोर्ट्स फेडरेशन ने डोपिंग पर बैन लगा दिया और 1960 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी डोपिंग को बैन कर दिया। 1968 के मेक्सिको ओलंपिक्स में भाग लेने वाले पिस्टल शूटर स्वीडन के हंस गुनर लिलीजनवाल को शराब के नशे का दोषी पाया गया, जिसके चलते स्वीडन की पिस्टल शूटिंग की पूरी टीम को अपने कांस्य पदक वापस करने पड़े थे। 100 मीटर की दौड़ में एक बार गोल्ड और दो बार कांस्य पदक जीतने वाले बेन जॉनसन को स्टेनोजोलोल का इस्तेमाल करने का दोषी पाए जाने पर अपने सारे पदकों से हाथ धोना पड़ा था। 1999 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की गई, जिसको डोपिंग को कंट्रोल करने का जिम्मा सौंपा गया। डोपिंग का टेस्ट करने के लिए खिलाड़ी को अपने मूत्र और खून का नमूना देना पड़ता है, जिसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। पर त्रासदी यह है कि अभी भी कुछ साल्ट ऐसे हैं, मतलब जो नए साल्ट निकाले जाते हैं, जिनको टेस्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले नए फार्मूले ढूंढ लेते हैं और टेस्ट करने वाले भी नए तरीके ढूंढ लेते हैं। सो, इस तरह डोपिंग को रोकने के लिए ये लड़ाई अभी तक भी जारी है। खेलों को साफ़ सुथरा और तंदुरुस्त बनाने के लिए डोपिंग को बैन किया गया है। बेशक ये लड़ाई ऑर्गेनाइजर्स और खिलाड़ियों के बीच में है, डोपिंग की लड़ाई, लेकिन खिलाड़ियों को इस बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये डोपिंग जो है ये खिलाड़ियों की सेहत को ज़्यादा अफेक्ट करती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली दफ़ा किसी नई जानकारी के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। शुक्रिया।